स्टूडेंट, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यूजी और पीजी के बहुत सारे जो कोर्सेज में इससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बहुत बड़ी है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही ये सारी कंडीशंस जो है वो क्रिएट होने लग गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई अच्छी एपेक्स कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो एटलीस्ट डेवलपमेंट कर सके, प्रमोट कर सके, हेल्प कर सके कंट्री की। बट कुछ भी नहीं हो पाया, प्लानिंग टू प्लानिंग चलती रही। और जो टू वर्ल्ड वॉर हुए हमारे, फर्स्ट और सेकेंड, इन टू वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। इन दोनों विश्व युद्धों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग टाइप्स के मॉनेटरी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया, तो उनके अडॉप्टेशंस के बिहाफ पर भी डेवलपिंग कंट्री पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत सारी जो इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, युद्ध से बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो उन युद्ध से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटलीस्ट कुछ एपेक्स कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस, कुछ शीर्ष श्रेणी की संस्थाओं की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग गई। और टाइम टाइम पर अनेक प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने इस पर रिसर्च की और बहुत सारे सजेशंस दिए। 1931 से सजेशंस आना स्टार्ट हुए कि 1931 में कहा ऐसा होना चाहिए। कीन्स जो ब्रिटेन के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी अपनी प्लानिंग जो है वो प्रिपेयर की और एक इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया और अमेरिका के जो वाइट अर्थशास्त्री था उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सजेस्ट किया, बट उसको इंग्लैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस स्टाइल से किन्स की भी जो एक्सेप्टेशंस नहीं हो पाई और अमेरिका के वाइट की भी नहीं हो पाई। लेकिन आफ्टर जो है 1944 में इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हुई ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, तो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रिक सम्मेलन बुलाया गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि 1949 में अमेरिका का जो एक न्यू हैम्पशायर शहर था वहाँ पर कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, कुछ देशों के जो विशेषज्ञ थे, जो वित्त अर्थशास्त्री थे, उन अर्थशास्त्रियों की एक कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन में 44 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस मीटिंग में जो है वो प्रेजेंट हुए और ब्रेटन वुड्स समझौता स्वीकार कर लिया और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्ट्रैक्ट। और उस ब्रेटन वुड्स कॉन्ट्रैक्ट को सभी ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को सभी ने जो 44 देशों के प्रतिनिधि गए थे उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, सर्वसहमति से एक बिल पास किया। और वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंक्रीज मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी जो है असिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और दूसरा, जो अर्थव्यवस्थाएं युद्ध से ध्वस्त हो गई है उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना का वहां पर जो है वो सर्वसहमति से डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया और सभी ने ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए और तभी से जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो सर्वसहमति से संभव हो पाई। तो उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 44 मेंबर कंट्रीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ब्रेटन वुड्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को साइन किया और वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर टू टाइप्स की बड़ी बड़ी जो मौद्रिक संस्थाएं हैं, दो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, उनकी स्थापना होनी चाहिए। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा वर्ल्ड बैंक, उसकी एक सहायक असिस्टेंस जो है इंस्टीट्यूशंस, उसका डिसीजन लिया गया कि उसकी सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व बैंक के नाम से स्थापित की जाएगी। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। ये बहुत सारे जो है आपके कंपटीशन आप देने जाते हो तो उसमें क्वेश्चन आता है, परंतु इसने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से किया। उसने अपना काम कब से स्टार्ट किया,
1 मार्च 1949 से। तो आपको कंपटीशन में जाना है तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, 1944 IMF वर्ल्ड बैंक फॉर इन ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट और 1944 मैच द फॉलोइंग में आते हैं कभी कभी। उसके बाद 27 दिसंबर स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की डेट है एंड वर्किंग डेट है 1 मार्च 1947 से अपना काम करना शुरू किया। तो इतने से टॉपिक में ही आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और कितनी मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था देन 44। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये याद करना कि 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर आता है कि रिसेंट टाइम में इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो रिसेंट टाइम में इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो 189 है और इसकी जो एमडी है वो क्रिस्टेलिना जिजार्गिया जर्मनी से है ये। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड है। अब व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के पीछे एटलीस्ट रियल में क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या टारगेट्स थे, उसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया। तो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी हेल्प है एटलीस्ट उसको इंक्रीज करना, कि हर मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, जिसके पास एक्सेस में रिसोर्सेज हो वो, जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके पास संसाधनों की कमी है एटलीस्ट उसको हेल्प करे। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉनेटरी कॉपरेशन इंक्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प जो है वो डेवलप्ड कंट्री के थ्रू की जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, कि इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है एटलीस्ट उसका बैलेंसिंग ग्रोथ हो, कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलप्ड कंट्री का हायर है और डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत लोअर है, तो एक बैलेंसिंग फिगर में जो है हर कंट्री का, हर मेंबर कंट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक बैलेंसिंग फिगर में हो, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य देश अपनी इकोनॉमी पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, कोई वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर जो है वो रोक नहीं लगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य यही था कि फ्री फ्लो हो कमोडिटीज का, सर्विसेज का और मनी का, वस्तुओं सेवाओं और मुद्रा का जो व्यापार है वो स्वतंत्र रूप से हो, यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना थी, कि कोई देश किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध अपनी अर्थव्यवस्था पे या अपनी इकोनॉमी पे नहीं लगाए, यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव विनिमय स्थायित्व, कि एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपका ट्रेड अफेक्टेड होगा, आपका व्यापार प्रभावित होगा अगर विनिमय दरों में फ्लक्चुएशन आया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य यही था कि उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चलता था और डॉलर और स्टर्लिंग और इन पौंड इनसे ही बहुत सारी जो करेंसी थी वो अफेक्टेड होती थी, इनकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट बदल जाती थी और ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी एट द टाइम ऑफ 1944। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, फिर इन लोगों ने कन्वर्टेबिलिटी को फिनिश कर दिया और जो कन्वर्टेबिलिटी को जो है वो फिनिश कर दिया और गोल्ड और डॉलर और इनको जो है गोल्ड का जो है वो परित्याग कर दिया। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के बाद एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था कि सभी सदस्य देशों की विनिमय दरें प्राय स्थिर रहे, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। प्लस टू माइनस टू के लिए तो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उससे एक्सेस में अगर आपकी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ेगी, सजेशंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विनिमय दरों को स्थायित्व करना इसका था। पहले क्या करते थे कि कुछ लोग अवमूल्यन का सहारा ले लेते थे, अब अवमूल्यन का सहारा लेने की वजह से क्या था, उनकी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता था, अब उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाते थे, तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, अवमूल्यन का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था कि इस प्रकार के जो प्रतियोगी अवमूल्यन है एटलीस्ट उस पर रोक लगाना, उसको कंट्रोल करना, जो कम्पिटिटिव डिवेल्यूएशन ये मेंबर कंट्रीज फॉलो करते हैं उसको करना, उन सबको समाप्त कर देना और एक नियमित विदेशी विनिमय की व्यवस्था को लागू करना, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का
उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है बहुपक्षीय भुगतान कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हर मेंबर कंट्री के पास जो है वो डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, गोल्ड की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर है बहुपक्षीय भुगतान कि हर देश अपने चालू भुगतानों का या अपने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के भुगतानों का जो भुगतान है वो विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में कर सकता है जिसकी उसके पास अवेलेबिलिटी है, उसी करेंसी में वो एटलीस्ट पेमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसको परमिशन दे दी और जिस कंट्री को वो ऐसी मुद्राएं दी जाती है अगर वहाँ उनको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसको एक्सचेंज करा लेते हैं। बट ये ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐसा ही करते रहो और आपके पास जिस करेंसी की इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड ही नहीं है आप एवरी टाइम उसी में पेमेंट करो, ये एवरी टाइम एक्सेप्ट नहीं होगा। बट फॉर सम टाइम्स ऐसा मल्टीलेटरल पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा हर देश द्वारा ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो है वो सुविधाजनक हो सके। उसके बाद है आर्थिक सहायता। अब हर मेंबर कंट्री का क्या होता है कि बीओपी इम्बेलेंस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जब आप डेवलपिंग स्टेज पे हो, आप विकासशील अवस्था में हो, तो आपके व्यापार संतुलन का, भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होना स्वाभाविक है। अब उस डेफिशिट को दूर करने के लिए आप IMF से लोन लेना चाहते हो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है कि ऐसे अल्पकालीन असंतुलन के लिए वो सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि उनके भुगतान संतुलन का जो घाटा है एटलीस्ट वो दूर हो सके और सदस्य देशों के व्यापार में जो है वो वृद्धि हो सके। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था। उसके बाद है संतुलित आर्थिक विकास कि हर मेंबर कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो एक बैलेंसिंग स्टेज पे हो, बैलेंसिंग डेवलपमेंट हो, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक सदस्य देश को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सहायता वितरित की जाएगी ताकि हर सदस्य देश में उत्पादन बढ़े, आय बढ़े, रोजगार बढ़े और उस देश का एक संतुलित विकास हो सके। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है वो उद्देश्य था। उसके बाद है दीर्घकालीन पूंजी का विनियोग कि अगर मेंबर कंट्रीज की कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति को सही तरीके से उनमें सुधार लाना है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है कि वो उसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर जो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बेस्ट प्रोजेक्ट हैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, उनको जो है वो दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट चालू होकर के और बेनिफिशियल कंडीशन में पहुंचने में बहुत फर्क आता है, बहुत टाइम पीरियड लेता है। तो दीर्घकालीन विनियोग को जो है वो संभव बनाना, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को, कंट्रीज को इनकरेज करना ताकि हर मेंबर कंट्री में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया इम्प्रूव हो सके। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हमारे उद्देश्य थे। अब आता है इसका मैनेजमेंट कि रियल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है वो मैनेजमेंट किस स्टाइल का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपेक्स कैटेगरी पे होता है, जो हाईएस्ट कैटेगरी का होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है वो होता है प्रबंध संचालक मंडल। सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा प्रबंध संचालक मंडल और प्रबंध संचालक मंडल जो होता है वो हमारी इस प्रबंध मंडल जो होता है वो सबसे एपेक्स कैटेगरी का जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। इस प्रबंध मंडल में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उन मेंबर कंट्रीज का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें सेलेक्ट किया जाता है। हर मेंबर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उसका मेंबर होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आपका सबसे पहला प्रबंध मंडल को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारा प्रबंध मंडल। तो किसी भी जो है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है हर कंट्री से वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें जो है वो मेंबर बनता है। अब वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इट मे बी पॉसिबल कि वो उस सेंट्रल बैंक का जो है गवर्नर हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि वो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है।
ऑलमोस्ट एक मेंबर हर कंट्री से जाता है और वो वहाँ के केंद्रीय बैंक का गवर्नर हो सकता है या वहाँ के कैबिनेट का जो है वो वित्त मंत्री हो सकता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो हो सकता है वो इस पोस्ट के लिए जाता है। ऑलमोस्ट एक की एब्सेंस में दूसरा और दूसरे की एब्सेंस में पहला, इन दोनों में से जो है वो कोई भी जा सकता है। इन रिसेंट टाइम्स जो है वो हमारे वो निर्मला सीतारमण जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है IMF का, तो वो इनकी मीटिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट करती है। जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध मंडल की मीटिंग होती है तो उसमें उस सदस्य देशों के प्रतिनिधि को जाना जरूरी होता है। ऑलमोस्ट इनका अपॉइंटमेंट 5 ईयर के लिए होता है, 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, 5 साल बाद फिर वापस उनको चेंज कर दिया जाता है जो भी ये होते हैं। अब ये लोग जो होंगे, मैंने आपको बताया कि दो ही लोग होते हैं, सब्स्टिट्यूशंस होता है, हर मीटिंग में इनको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है, अपने अपने व्यू ले जाते हैं, ये अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को ले जाते हैं। अगर दूसरी कंट्री की प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन हो, जब कभी भी मीटिंग होती है कन्वर्सेशन करते हैं और हर सदस्य देश की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर वर्तमान में अभी 189 कंट्री है तो 189 के रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पर जो आपका ये प्रबंध मंडल है इसके होते हैं और ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 5 साल बाद इनकी पुनर्नियुक्ति होगी या नहीं होगी ये जो है वो IMF डिसाइड करेगा। अब एटलीस्ट इनका काम क्या होता है, ये जो प्रबंध मंडल में इतने 189 लोग होते हैं, एटलीस्ट उनके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल नए अभ्यंश का निर्धारण करना कि हमारा जो कोटा का जो सिस्टम है, इसमें आपके अभ्यंश का जो सिस्टम है, आपका जो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज नॉन एज कोटा और अभ्यंश। जो भी आप अंश पूंजी में अपना योगदान देते हो वो अभ्यंश कहलाता है। तो सबसे पहले अभ्यंशों का निर्धारण करना इसका काम होता है। अभ्यंश चेंज होते रहते हैं, कुछ नए कुछ पुराने, कोई अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है, कोई अपना कंट्रीब्यूशन कम करना चाहता है, तो उन अभ्यंशों का निर्धारण करना इसका प्रमुख कार्य है। नए तरीके से उनको मूल्यांकन करना भी इनका काम है। उसके बाद जैसे कोई नए सदस्य देश आ गए तो उनको अनुमति देनी है, कैसे करना है, क्या करना है, उनकी उनका अभ्यंश क्या होगा, इसका डिटर्मिनेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद सभी देशों की समता दरों में समान परिवर्तन की, जितनी भी कंट्रीज की जो एक्सचेंज रेट है एटलीस्ट उसमें जो भी कुछ चेंज होगा वो समान गति से हो, तो समता दरों का निर्धारण भी इनके द्वारा ही किया जाता है। और संचालक मंडल का गठन, इनके नीचे एक काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल, तो उसका गठन कैसे किया जाएगा उसका डिसीजन भी यही लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का निर्धारण करता है। तो वापस प्रबंध मंडल एपेक्स कैटेगरी का होता है, हर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, सेंट्रल बैंक का गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर होता है, 5 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होता है, न्यू कोटा कैपिटल उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो सेलेक्ट करने का काम करते हैं। अगर न्यू मेंबर कंट्री ने एप्लीकेशन दी है तो उस पर ओपिनियन लेने होते हैं सारे सदस्य देशों के कि उसको मेंबर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये करना। और जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की साल में एक बार मीटिंग अटेंड होती है उस मीटिंग को अटेंड करना इनके लिए जो है वो कंपलसरी हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट कैटेगरी का मैनेजमेंट, क्या था, प्रबंध मंडल। उसके बाद नीचे आता है संचालक मंडल जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है वो 24 मेंबर हैं इन प्रेजेंट सिचुएशन में 24 सदस्यों का एक संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल का गठन कैसे किया जाता है कि जो 7 डायरेक्टर्स होते हैं इट इज फ्रॉम हाईएस्ट कोटा कंट्रीज, 7 जो सदस्य होंगे वो उन सदस्य देशों से होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा पूंजी में अपना योगदान दे रखा है, जिन सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभ्यंश पूंजी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, तो 7 मेंबर तो उसी कंट्री से होते हैं। इन री और जो लास्ट के आपके बसते हैं 17, तो जो 17 जो मेंबर्स होते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू रीजन, क्षेत्रवार होते हैं, क्षेत्रों के अनुसार उनका सिलेक्शन जो है वो किया जाता है। तो 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 7 मेंबर कंट्रीज जिनके हाईएस्ट कोटा है उनमें आता है, सबसे पहला स्थान है उसमें अमेरिका का,
उसके बाद ब्रिटेन का, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और सऊदी अरब। ये 7 सदस्य देश हैं जिनके स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। ये 7 सदस्य देश हैं जिनके हैं। अब बाकी के जो 17 सदस्य होते हैं ये क्षेत्र के अनुसार चुने जाते हैं। जो 17 मेंबर होते हैं ये अकॉर्डिंग टू रीजन। देन 6 फ्रॉम पैसिफिक ओशियन। 6 सदस्य जो होते हैं वो प्रशांत महासागर से चुने जाते हैं। इसमें 3 सदस्य फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से, 3 अफ्रीकन कंट्रीज से ही पूरे से जो है वो 3 मेंबर। देन 6 फ्रॉम पैसिफिक ओशियन, 3 फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, नेक्स्ट 3 फ्रॉम लैटिन अमेरिकन, 3 जो है वो लैटिन अमेरिका से होते हैं एंड 2 फ्रॉम कनाडा। रिमेनिंग जो होते हैं वो कनाडा से चूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार 24 सदस्यों का एक जो है वो संचालक मंडल होता है, वो इसके आगे के कामों को देखता है। अब संचालक मंडल में जो होता है, सबसे पहले 2 साल के अंतराल में इनका सिलेक्शन होता है। 2 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है, 2 इयर्स के बाद वापस चेंज हो जाते हैं और 2 साल बाद किसी दूसरे को जो है उसको चूज किया जाता है। इसका अध्यक्ष कोष का प्रबंध संचालक होता है, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। वो अध्यक्ष उस जो आपने इससे पहले पढ़ा उसका सदस्य होता है। प्रबंध संचालक का सदस्य होता है वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब वो कार्यकारी संचालक का चयन 24 में से किया जाता है और एक और किया जाता है कार्यकारी संचालक। देखो सबसे पहला एक संचालक होगा, वो प्रबंध संचालक वो कहाँ से होगा, ऊपर से चुना जाएगा, वही इसकी अध्यक्षता करेगा। एक और होगा असिस्टेंट, वो इन 24 में से कोई सा भी जो है वो चूज किया जा सकता है। अब ये क्या क्या काम करते हैं आपको वो देखना है, जो संचालक मंडल आपने बनाया है एटलीस्ट वो क्या क्या काम करता है वो देखना है। तो सबसे पहला काम जो है ये लोग करते हैं वो करते हैं कोष का, इसमें लेखा अधिकारी होता है। ये मंडल कोष के व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, कोष के बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। कोष के बिजनेस से रिलेटेड सारे डेटास, एंट्री सिस्टम सब जो है वो इसके द्वारा किया जाता है और सबके अधिकारों का और जो भी इसमें अधिकार इसको मिले गए हैं अंतरनियम में। अंतरनियम जो था कंपनी का, इसका IMF का, उस अंतरनियम में इसको जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का ये प्रयोग करते हैं और अधिकार सीमा में रहकर के ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ये होते हैं कि ये वित्तीय क्रियाएं नियंत्रण और पर्यवेक्षण भी करते हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, सुपरविजन का काम भी जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। अब ये सारे के सारे जो सदस्य हैं वो केंद्रीय स्थान पर रहते हैं जहाँ IMF का हेडक्वार्टर है, एटलीस्ट वहीं पर रहते हैं और IMF द्वारा ही इनको जो है वो सैलरी भी इनको जो है वहीं पर मिलती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो भी अगर मनोनीत जो 24 सदस्य हैं उनमें से अगर कोई सदस्य एब्सेंट रहता है बाय द वे कभी किसी वजह से, तो वो अपना सब्स्टिट्यूशन अपॉइंट कर सकता है। ऐसा भी एक प्रोविजन है कि 24 में से अगर कोई एब्सेंट रहता है किसी वजह से तो वो अपना सब्स्टिट्यूशन अपॉइंट कर सकता है, मनोनीत व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अपने स्थानापन्न पद पर और जो नियुक्ति किया हुआ व्यक्ति है एटलीस्ट वह ही इसकी मीटिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब पहले भारत की कंडीशन 5वें स्थान पर थी इसलिए हमारा भी एक मेंबर था इसमें, लेकिन अब हमारी कंडीशन धीरे धीरे गिरती जा रही है और हमारा स्थान अब जापान ने ले लिया है। तो जापान के द्वारा जो है एक स्थायी मेंबर यहाँ पर इसमें चुना जाता है तो उसको ये सारे राइट्स बनते हैं। और अब ये है कि ये सब कुछ जो है वो पूरा IMF का जो है वो कार्यकलाप को देखने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये था कि ये और वो। अब आता है प्रबंध संचालक। देखो सबसे पहले देखा था अपन ने क्या देखा था, प्रबंध मंडल, उसके बाद संचालक मंडल, अब आता आपका प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया अभी। क्रिस्टेलिना जो वो थी जर्मनी से थी, एटलीस्ट वो इसकी अभी है और मेरे हिसाब से अक्टूबर 19 से उनको उनका सिलेक्शन हुआ है
तो अभी रिसेंट टाइम में वही इस पोस्ट पर बनी हुई है। तो सबसे पहले प्रबंध संचालक जो होगा, MD जिसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हो, वो दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है, डेली रूटीन के क्या फंक्शन चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अब इसका जो कार्यकाल है वो IMF की इच्छा पर डिपेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्धारित करता है कि उसका कार्यकाल कितना रहेगा, उसको वापस कब चेंज करना है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। और ये जो है सभी सभाओं की अध्यक्षता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जितनी भी मीटिंग्स होती है, उन सभी मीटिंग्स में ये जो है एज ए प्रेसिडेंट की हैसियत से भाग लेता है। उन सभी सभाओं की अध्यक्षता प्रबंध संचालक द्वारा की जाती है। उसके बाद जब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि हर दोनों जगह किसी भी बात को लेके 50-50 है, 50 yes और 50 no, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का वोट बहुत पावरफुल होता है। वो यस को नो में और नो को यस में चेंज कर सकता है। इट मीन्स जब कहीं ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल इक्वल इक्वल वोटिंग हुई है, तो ये अपना निर्णायक मत दे सकता है और अपने मत से पूरे डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। जहाँ ट्राई हो रही थी वो यस को नो में और नो को यस में चेंज करने का अधिकार भी इसको दिया गया है अकॉर्डिंग टू विजन। ये अपने अंडर कंट्रोल कुछ लोगों को और अपॉइंट करता है। एक तो होता है प्रमुख मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, एक रखा जाता है इसके नीचे, प्रबंध संचालक के नीचे एक रखा जाता है प्रमुख डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। एक जो है वो डिप्टी मुख्य, एक डिप्टी प्रबंध संचालक रखा जाता है, और दो जो है वो अन्य जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 लोगों को ये अपने अंडर कंट्रोल रखता है, ताकि इसकी एब्सेंस में वो लोग IMF के काम को सुचारू रूप से जो है वो चला सके।